Welcome back, students. I hope you have enjoyed your break time. Now let's move on. What we have here? Instructions for writing. As you have already know about all the steps of instructions. So follow all the steps and start writing. Urdu ki likhai. बच्चों आज हम क्या लिखेंगे आज हम अपनी अगली किताब में से लिखेंगे अलिफ और अलिफ मद आ ठीक है अगली किताब का सफा नंबर 5 और सफा नंबर 6 पे अलिफ और अलिफ मद आ की लिखाई है आपने सबसे पहले आपको अलिफ के साथ किस चीज की तस्वीर नजर आ रही है ये क्या है क्या ये घोड़ा है नहीं अलिफ से क्या बन रहा है ऊंट ऊंट कहाँ रहता है रेगिस्तान में अलिफ आ ऊंट और अलिफ की आपने लिखाई करनी है आपको नुक्ते नजर आ रहे हैं आपने अपनी पेंसिल नुक्ते पे रख के आराम आराम से सीधी सीधी लाइनें लगा के अलिफ को लिखना है टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना और बिल्कुल खुश खत लिखना है अपना पूरा सफा मुकम्मल करना है ठीक है बच्चों अब हम आते हैं अलिफ मदा की तरफ अलिफ मदा भी बहुत आसान है आपने बिल्कुल सीधा अलिफ लिखना है और उसके ऊपर मद बनानी है ठीक है आप एक से दो दफा प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा पहले आप नुक्तों वाली मशक करेंगे उसके बाद खुद से लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको अलिफ मदा के साथ किस चीज की तस्वीर नजर आ रही है आरी क्या चीज काट रही है लकड़ी आरे क्या कर रही है लकड़ी ठीक है बच्चों आप सबने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना है और फिर मुझे बताना है कि आपको कितना समझ आया था अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप अपनी अम्मी से कहें कि वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप KG2 में कांटेक्ट करें और मुझसे पूछ लें और मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी दोबारा से ठीक है बच्चों Thank you. See you tomorrow. Be a manner.